ओम माथुर जो है वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मौजूद है, वेंकैया नायडू भी वहीं पर मौजूद है, सिद्धार्थनाथ सिंह मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य अभी इंतजार कर रहे हैं, वीवीआईपी गेस्ट रूम है वहां पर जहां पर मीटिंग होनी है, उसके पास ही में ये गेस्ट हाउस है जहां पर ये लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, देखिए नाम बार बार अलग अलग उछल कर आ रहे हैं और अभी आखिरी दौर में जो नाम उछल कर आ रहा है सूत्रों के हवाले से, इस पर मोहर नहीं लगी है, ये तो बैठक के बाद ही पता लगेगा कि यूपी का सीएम कौन होता है, वो नया चेहरा कौन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा अभी जोरों पर चल रही है। विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं और बाकी सारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? आप तो कुछ ही मिनट और इंतजार करें और उसके बाद तो मीटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अब से 5 से 10 मिनट के बीच केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, सुनील बंसल, वेंकैया नायडू, भूपेंद्र यादव लोक भवन में पहुंचने वाले हैं जहां पर हम लोग मौजूद हैं और यहीं पर विधायकों की मीटिंग शुरू होगी। यहां पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो नाम चल रहे हैं फिलहाल वो किसी पर अभी तक एक आप ये कह सकते हैं कि जितने भी नाम अभी तक चलाए जा रहे हैं अलग अलग उससे कि किसी एक पर पूर्ण सहमति नहीं हुई और अभी भी थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए क्योंकि जो बैठक चल रही है वीवीआईपी गेस्ट हाउस में दोनों पर्यवेक्षक वहीं पर मौजूद हैं, वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव, इसके साथ ही संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी के प्रभारी ओम माथुर भी वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं। वहां से जब निकलेंगे और लोक भवन मीटिंग में जब पहुंचेंगे तो उम्मीद ये बताई लगाई जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से जो नाम चल रहे थे उनमें से ही किसी एक नाम पर सहमति बनने की उम्मीद फिलहाल दिखाई पड़ सकती है, पर अभी ये सूत्र किसको सबसे भारी भरकम अभी मान रहे हैं? देखिए, हमें अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली तो केशव मौर्य को लेकर जो अलग नेता हैं वो कुछ ज़्यादा ही आशान्वित दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से भाजपा में अलग अलग राय आ रही है, जब तक यहाँ पर बिल्कुल एकमत ना हो जाए किसी का नाम लेना हमारे ख्याल से थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन केशव मौर्य का नाम हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा आगे है इन सभी नामों से, और हालांकि योगी आदित्यनाथ भी साथ में है पर थोड़ा इंतजार हमें इस पूरे मामले में करना चाहिए। यही तो पूरा पेज आ रहा है, कभी राजनाथ सिंह एकदम बिल्कुल सामने खड़े नजर आते हैं, फिर मनोज सिन्हा होते हैं, उसके बाद नाम आ जाता है केशव प्रसाद मौर्य का, फिर योगी आदित्यनाथ रवि लेकर आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि इंतजार हमें करना होगा, बड़ी खबर है भाई, बड़ा मैंडेट मिला है तो ऐसे में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी किसे जाती है, इसी पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है।